गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप हम आपका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ बॉडी मूवमेंट। ओके, तो जो बॉडी मूवमेंट होती है, बॉडी मूवमेंट आपके बॉडी में होने वाले अलग अलग जो मूव्स होते हैं ना, साइड लाइक मैं अपना हाथ जो है इस तरीके से हिला सकता हूँ, आई कैन मूव माई हेड ऑल्सो। ओके, फिंगर्स को इस तरीके से हिला सकता हूँ, हैंड्स को इस तरह से पुश एंड बैक कर सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो ये सारे आपके बॉडी के मूवमेंट है, यू कैन मूव विथ योर लेग्स, है ना, तो ये मूवमेंट है। अच्छा, ये तो बात हुई ह्यूमंस की। इसके अलावा जो अलग अलग मूवमेंट होते हैं अलग अलग एनिमल्स के अंदर, लाइक हम जो है दो पाँव पर चल पाते हैं, लेकिन अगर मैं डॉग्स या कैट्स वगैरह की बात करूँ तो उनका मूवमेंट अलग होता है। ओके, जैसे स्नैक्स होते हैं, स्नैक्स अलग तरीके से मूव करते हैं, फिशेस जो होती है वो अलग तरीके से, बर्ड्स का अगर बात करें, बर्ड्स जो है अलग तरीके से मूव करते हैं। मैं एक वर्ड बार बार यहाँ पर बोल रहा हूँ, मूव, MOV, मूव। तो मूव करने के लिए स्पेशल एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं लोकोमोशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म बोल दो, कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर लाइक ह्यूमन, डॉग, एनिमल, फिश, स्नैक, एनीथिंग विच इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो जा रहा है, तो ये जो मूवमेंट है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने का, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, लोकोमोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, LOCOMOTION, आपकी बुक में वर्ड भी है, लोकोमोशन इसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, इसमें एक टेबल दी हुई है आपकी बुक के अंदर। अच्छा, आपको बुक है ना खोल कर रखनी है, क्योंकि मैं इसको टॉपिक वाइज एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बुक से ही रीडिंग कराऊँगा। तो आप बुक में पेज नंबर 97 निकाल लो, है ना, और पेज नंबर 97 निकालने के बाद आप इसमें देखोगे टेबल दी हुई है। टेबल के अंदर आपको बताया हुआ, जैसे ह्यूमन से लोकोमोशन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, लेग्स का, ठीक है, तो वॉक करने के लिए। काउस जो है, काउस भी लेग्स का यूज़ करते हैं। कंगारूज जो होते हैं, कंगारूज आपने देखे होंगे अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं, वो जो है लेग्स का यूज़ करते हैं। फिश, और फिश को तो कोई लेग्स होती नहीं है, फिश किसका यूज़ करती है, अपने टेल्स और फिन्स का यूज़ करती है, फिश के भी पंख होते हैं ना वैसे। बर्ड्स विंग्स का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया था बर्ड्स में अलग मूवमेंट होता है, बर्ड्स अगर उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है तो ऐसे तो ही नहीं पाँव से चल कर जाएंगे, दे हैव विंग्स, तो दे यूज देयर विंग्स। ओके, एक इसमें है वाई एनिमल मूव, कोई भी जो है एनिमल, अब एनिमल जो है, हाँ, एनिमल की जब भी मैं बात करता हूँ तो ह्यूमंस भी उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, साइंस के अंदर तो एटलीस्ट। तो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों जाते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, कोई भी आदमी एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहा है, इन सर्च ऑफ फूड। कोई हम जैसे सपोज मैं अपने घर से यहाँ आया हूँ तो क्यों आया हूँ, अब आप में खाने तो आया नहीं हूँ, लेकिन मैं क्यों आया हूँ, बिकॉज आई डू जॉब हियर, एंड जॉब मैं क्यों करता हूँ, बिकॉज आई नीड फूड, एवरीवन नीड्स फूड। ओके, तो दैट्स वाई वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स। ओके, वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स, आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो अपने पीछे की तरफ जब हाथ लगाओगे इस तरीके से, बीच में से एक लाइन टाइप कुछ बना हुआ है पीछे की तरफ, उस पोर्शन को बोलते हैं वर्टेब्रे। ओके, और जो जिन एनिमल्स के अंदर वर्टेब्रे पाई जाती है, जिसको बैकबोन सिंपली बोलते हैं, बैकबोन होती है ना, जिसको रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, जो बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको वर्टेब्रे बोलते हैं, और जिन एनिमल्स के अंदर वर्टेब्रे पाया जाता है ना उनको बोलते हैं वर्टेब्रेट्स। क्या बोलते हैं उनको, वर्टेब्रेट्स। ओके, एंड जिन एनिमल्स के अंदर वर्टेब्रे नहीं पाया जाता उनको बोलते हैं इनवर्टेब्रेट्स। क्या बोलेंगे उनको, इनवर्टेब्रेट्स। सो यू हैव टू रिमेंबर, वर्टेब्रेट्स क्या होते हैं, द एनिमल्स विच हैव वर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रे इसको बोलते हैं, बैकबोन बोल सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम तो वर्टेब्रे ही है, और जिनके पास वर्टेब्रे होती है उनको वर्टेब्रेट्स बोलते हैं, जिनके पास नहीं होती है उनको इनवर्टेब्रेट्स बोलते हैं। ओके ओके, तो द नेक्स्ट टॉपिक इज, पेज नंबर 98 निकाल लेना, अगला है आपका मूवमेंट इन एनिमल्स। ओके, मूवमेंट इन एनिमल्स, अब मूवमेंट इन एनिमल्स का मतलब क्या हुआ, मैं रीड करके बताता हूँ एक बार। मूवमेंट इन एनिमल्स इज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर बॉडीज, लेट्स स्टडी सम काइंड ऑफ मूवमेंट विद द एग्जांपल ऑफ टिपिकल एनिमल डिस्प्लेइंग देम। ठीक है, देखो अलग अलग कुछ आपके बुक्स में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे अर्थ वर्म है ना, स्नेल्स है, फिश है, स्नेक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब डिफरेंटली मूव करते हैं,
तो इन सब का जो मूव करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो इम्पोर्टेंट है वही आपके बुक में दिए हुए हैं। तो मैं सीधा आपकी हेडिंग पे आऊँगा, मूवमेंट इन अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स होते हैं, अर्थवर्म आपने देखे होंगे खेतों के अंदर खाद के रूप में भी यूज़ करते हैं, इस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है। नहीं देखे नालियों में पड़े रहते हैं वैसे कुछ उनका स्ट्रक्चर रहता है अर्थवर्म, ठीक है, खाद के रूप में यूज में लेते हैं बेसिकली इनको, है ना। तो अर्थवर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपने देखा होगा, कैसे मूव करता है वो, इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से वो इस तरीके से आगे से ही जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ है, इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है वो मैं रीड कर लेता हूँ एक बार। अर्थवर्म हैव एन इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी विथ नो बोन्स। आप डायग्राम में भी देख सकते हो किस तरह की बॉडी इसकी, सिलेंड्रिकली है ये, क्या ये, अगर मैं इसको थोड़ा इस तरीके से बनाऊँ, ओके ये थोड़ा बड़ा होगा, तो ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है, तो और लंबी चौड़ी बॉडी एकदम, तो ये है। दे हैव एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल बॉडी विथ नो बोन्स, अर्थवर्म के अंदर कोई बोन नहीं होती है आपकी, ठीक है। इनटू मेनी रिंग लाइक सेगमेंट, रिंग लाइक सेगमेंट होते हैं इसके अंदर, और इसमें मसल्स पूरा जो है मसल से बना हुआ रहता है। द अर्थवर्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय कंटिन्यूस कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलेक्शन। अर्थवर्म जो है मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करता है, क्यों, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन। आपने देखा होगा पहले थोड़ा आगे जाने के लिए वो थोड़ा सा अपने आप को पहले दबा ले, मतलब पीछे वाले पोर्शन को रोक लेता है, सॉरी आगे वाले पोर्शन को रोक लेता है, फिर पीछे वाले को आगे लाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे लाता है, फिर इस तरीके से वो जाता है। मतलब पहले थोड़ा सा इधर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर पीछे वाला पोर्शन को आगे लेकर जाएगा वो, है ना। तो ये उसका काम होता है अर्थवर्म का। दियर मस हैंस अर्थवर्म मैक्स स्मॉल मूव यूजिंग मसल्स ओनली, इसलिए वो धीरे धीरे भी चलता है। मतलब आगे वाले पोर्शन को रोक लेगा, फिर पीछे वाले को लेके आएगा, फिर आगे वाले को रोक लेगा, फिर पीछे वाले को लेकर आएगा, इस तरीके से चलता है इसका, और धीरे धीरे चलता है। द सेगमेंट ऑल्सो हैव टाइनी स्टेफ हेयर ब्रिस्टल्स कॉल्ड स्टे ऑन द अंडर साइड इट्स बॉडी विच हेल्प द अर्थवर्म टू ग्रिप द सर्फेस एंड टू मूव फॉरवर्ड इट एक्सटेंड, ठीक है। इसकी बॉडी पर कुछ जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, वो इसलिए पाए जाते हैं जब ये अपने आगे वाले पार्ट को होल्ड करके रखता है ना, तो वो हेयर जो है ग्रिप बनाने के लिए काम में आते हैं, ओके। तो दिस वॉज अर्थवर्म, मूवमेंट इन अर्थवर्म। द नेक्स्ट वन विच कम्स इज मूवमेंट इन स्नेल्स। स्नेल्स तो आपने देखा होगा बुक के अंदर पेज नंबर 98 पर देख सकते हो, नीचे की तरफ गो थ्रू वाले कॉलम में एक स्नेल्स का डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो स्नेल्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसमें आप देख सकते हो ऊपर की तरफ एक शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है और नीचे जो है एक फ्लैट मसल टाइप स्ट्रक्चर होता है। सेम स्ट्रक्चर, सेम वर्किंग होती है, बिल्कुल सेम जैसे अर्थवर्म मूव करता है वैसे ही मूव करता है। बट आपको सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि इसके बॉडी के ऊपर एक शेल होता है और ये शेल के साथ ही चलता है ये, ठीक है। तो सेम चीज़ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर टू सिमिलर। द नेक्स्ट वन विच इज मूवमेंट इन कॉकरोच। कॉकरोच तो हम सब ने देखा हुआ है घर में, तो मतलब वी आर वेरी फेमिलियर विद द कॉकरोच। तो कॉकरोच के ऊपर आपने देखा होगा जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होता है, थोड़ा हार्ड होता है, ओके। और कॉकरोच, अच्छा अभी तक हमने जितना पढ़ा उनके लेग्स नहीं थी, अर्थवर्म में कोई लेग नहीं है, ठीक है, स्नेल्स के अंदर कोई लेग नहीं है, बट कॉकरोच के पास पैर होते हैं, ओके। तो कॉकरोच ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सो आई एम रीडिंग इट। कॉकरोच ऑल्सो हैज अ हार्ड आउटर स्केल्टन लाइक स्नेल्स। इट शोज लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स एंड टू पेयर्स ऑफ विंग्स, ओके। तो टू पेयर्स ऑफ विंग्स, आगे की तरफ थोड़े इसके पंख होते हैं और दो पेयर होते हैं लेग्स के। टू पेयर मतलब एक जोड़े में दो, तो टू पेयर्स मतलब चार पेयर होते हैं, ओके। तो मसल्स ऑफ द लेग हेल्प विद द कॉकरोच वॉकिंग। तो लेग्स के थ्रू चलता है बेसिकली, ठीक है, बॉडी बहुत हल्की होती है इसलिए फटाफट भाग जाता है ये। मूवमेंट इन फिश। फिश जो है, फिश को मूव करने के लिए जो है अपनी टेल की ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसके जो पंख होते हैं उसके थ्रू ये स्विमिंग करती है, ओके। सो रीड कर दूँ, फिश हैव वर्टेब्रेट्स। मतलब क्या होता है, अब मैंने वर्टेब्रे पढ़ा रहा था ना आपको, जब कभी आपने टीवी वगैरह में या कभी जो फिश खाते हैं उनको तो पता ही होगा, उनकी जो बोन होती है ना फिश की, देखो इस तरीके से फिश का रहता है, इधर कांटे रहते हैं उसमें,
ये अंदर का स्केलेटन बता रहा हूँ किसका, फिश का। ओके तो इसी, फिर ऊपर तो मसल्स रहती है लेकिन बेसिकली फिश के अंदर क्या रहता है? वर्टेब्रेट, ठीक है। तो ये फिश का क्या है? वर्टेब्रेट, ठीक है। अभी तक अपन ने जितने पढ़े, जैसे अर्थवर्म पढ़ा, तो ये अर्थवर्म ये है, इसके अंदर कोई बोन नहीं होती है बेसिकली ये, लेकिन फिश के अंदर बोन होती है आपकी, तो ये वर्टेब्रेट है आपकी। ओके तो ये फिश है, दे हैव अ बोनी स्केलेटन विद